सब्सक्राइब कीजिए सरल शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप चैट आर्चिव्ड क्या है और ये किस काम में आता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखते रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, व्हाट्सएप चैट आर्चिव्ड के मदद से आप किसी भी ग्रुप या किसी भी पर्सनल चैट को आप हाइड करके रख सकते हैं आसानी से। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सा ऐप्स डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं जीत आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे हाइड कर सकते हैं चार्ट को या किसी भी ग्रुप को, वो भी बिना किसी ऐप्स के, तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी व्हाट्सएप के किसी भी ग्रुप या चैट को हाइड करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको जो भी ग्रुप या चैट को हाइड करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है, क्योंकि इस तरह से लॉन्ग प्रेस नहीं करेंगे तो आपको चैट आर्काइव्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से वो ऑप्शन हट गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद अगर इसको हाइड करना है उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से वो ग्रुप हट गया है, यानी कि हाइड हो गया है। तो अगर आपको किसी भी चार्ट को इस तरह से हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए सेम प्रोसेस, यहाँ पर इस तरह से लॉन्ग प्रेस कीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। इस तरह से करने से आसानी से हाइड हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका हाइड हुआ है यानी कि ग्रुप या चार्ट, उसको आप अनहाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप नीचे देख सकते हैं आर्काइव के यहाँ पर ऑप्शन एक आ गया है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका जो कुछ भी आर्काइव करके रखा हुआ है यानी कि हाइड करके रखा हुआ है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये अनहाइड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से फिर से लॉन्ग प्रेस कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से वो हट गया है। तो अगर आपको ये भी जो चार्ट है इसको भी अनहाइड करना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस इस तरह से करना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों अनहाइड होकर यहाँ पर आ गया है फिर से। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप किसी भी ग्रुप या चार्ट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐप्स के। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।